आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा नियो के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा नियो का तो आपने नाम सुना होगा। इसमें आपको इंजन जो है वो एम हॉफ का 100/149.3 सेंटीमीटर का BS6 का इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको जो मैक्सिमम पावर है वो 735 किलोवाट की एट द रेट ऑफ 3750 पर मिनट देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका मैक्सिमम टॉर्क होता है वो 260 न्यूटन मीटर होता है एट द रेट ऑफ 7750। दोस्तों, इसमें जो फ्यूल है वो डीजल होता है और इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 50 लीटर की देखने को मिलती है। गियर पैक्स जो है वो 5 स्पीड मैनुअल में साथ में आता है। स्टीयरिंग जो है वो पावर देखने को मिलती है और टायर जो है वो 215/75R15 के टायर मिलते हैं, यानी कि चारों पहियों में आपको सेम टायर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें MTT टेक्नोलॉजी पर गाड़ी आधारित है, जो कि आपका वो N10 वेरिएंट में अवेलेबल होता है। ब्रेक्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। टर्निंग सर्कल की रेडियस की बात करें तो दोस्तों, 5.35 मीटर का टर्निंग सर्कल रेडियस है। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 2215 kg का हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके डायमेंशन यानी कि हाइट विड्थ लेंथ की बात करें तो LW जो H है वो 3995x1795x1817 mm देखने को मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी दोस्तों, ये 7-सीटर है यानी 5+2। दोस्तों, इसका जो रूफ स्पेस है वो 384 लीटर का देखने को मिलता है, यानी कि जो बूट स्पेस है वो 384 लीटर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इसकी जो मेन बेसिकली है वो आपका 3 वर्जन आते हैं, 4 भी कह सकते हो, एक N4, एक N8 और जो कॉमन वर्जन में आता है उसमें N10 और N10 होता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें जो है वो N10 में ही देखने को मिलती हैं, यानी कि जो मेन चीज़ है वो N10 में जो है वो होती है स्पोर्टी एलॉय व्हील्स, ये जो N10O वेरिएंट है उसमें मिलती है। बाकी जो है डीप सिल्वर, पियानो ब्लैक और फैब्रिक, यानी कि प्रीमियम सीट का फैब्रिक और स्टाइलिश सेंटर कंसोल विद सिल्वर एसेंट, इसके अलावा एक्स टाइप स्पेयर व्हील कवर, ये जो है आपका N10 और N10O में सेम मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि N10O में जो स्पोर्टी एलो व्हील हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी वो N10 ही पेरेंट होता है। दोस्तों, इनके बात करें फीचर की तो दोस्तों, इसका जो एक्स से बॉडी कंट्रोल्ड बम्पर्स देखने को मिलते हैं तीनों वेरिएंट में, सिग्नेचर ग्रिल विथ क्रोम इंसर्ट्स, ये भी हमें आपको N10 में देखने को मिलता है, N4 N8 में नहीं मिलता। स्पोर्टी स्टैटिक वेंडिंग हेड लैंप्स, ये आपको N10 में मिलेगा। स्टाइलिश DRL इन हेड लैंप्स, ये आपको N10 में मिलेगा। स्टाइलिश फॉग फ्रंट फॉग लैम्प, ये भी N10 में मिलेगा। सिग्नेचर बेलोरो साइड क्लैडिंग, ये आपको तीनों वेरिएंट में मिलेगा। व्हील आर्क क्लैडिंग, ये आपको N4 में नहीं मिलेगा, उसके अलावा N8 और N10 N10O में मिलेगा। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया, स्पोर्टी एलॉय व्हील जो है वो N4 और N8 वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, ना ही N10 में मिलते हैं, N10O में ही मिलता है। सिग्नेचर व्हील कैप, ये आपका N4 में नहीं मिलेगा लेकिन N8 में आपको मिलेगा। स्पॉयलर जो है वो N4 N8 पे नहीं मिलेगा, N10 N10 में ही मिलेगा। इसके बाद देखते हैं एक्स टाइप स्पेयर व्हील कवर, ये बॉडी कलर्ड है और जो N10 है उसमें डीप सिल्वर देखने को मिलता है। मस्कुलर साइड फ्रंट फुट लेफ्ट स्टेप, ये आपका N4 को छोड़ के बाकी सभी वेरियंटों में मिलता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपका आता है प्रीमियम इटालियन इंटीरियर, ये आपका तीनों वेरिएंट में मिलता है। स्पेसियस 7-सीटर तीनों ही होती हैं। एट्रैक्टिव 8.9 सेंटीमीटर LCD क्लस्टर डिस्प्ले, तीनों ही वेरिएंटों में आपको देखने को मिलेगा। ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी तीनों वेरिएंट में देखने को मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये जो आपको केवल N10 और N10O में वेरिएंट में देखने को मिलती है। इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रंट आर्म रेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ये केवल N10 में मिलता है। आर्म रेस्ट इन सेकंड रो, ये भी केवल N10 बेस में मिलता है। इसके अलावा स्टाइलिश सेंटर कंसोल विद सिल्वर एसेंट, ये N4 में ब्लैक मिलेगा, N8 में पियानो ब्लैक और N10 N8 में पियानो ब्लैक मिलता है।
कलर एसेंट ऑन एसी बेंट, N4 में नहीं होता लेकिन N8 और N10 में हमें देखने को मिलता है। एंटी ग्लेयर IRVM ये N4 में नहीं मिलेगा, बाकी वेरियंटों में मिलता है। रूफ लैंप फ्रंट रो ये तीनों वेरियंट में मिलता है। रूफ लैंप मिडिल रो ये N4 और N10 में नहीं मिलता, नहीं N4 और N8 में नहीं मिलता, N10 में देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील गार्निश N4 में नहीं मिलता, बाकी सभी वेरियंटों में मिलता है। प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री विनाइल होती है, फैब्रिक यानी N4 में आपको विनाइल मिलता है, बाकी N8 N10 में फैब्रिक। फोल्डेबल 3 रो सीट ये तीनों में होता है। फोल्डेबल 2 रो सीट N4 वेरियंट में नहीं होगा लेकिन N8 और N10 में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजिक प्लेयर विद USB प्लस ब्लूटूथ टच स्क्रीन इन्फॉर्मेंट ब्लूटूथ USB एंड ऑक्स ये आपको N10 वेरियंट में मिलता है इस, और ये आपको N4 N8 में नहीं मिलेगा। म्यूजिक प्लेयर 2 DIN ब्लूटूथ USB ऑक्स N4 में नहीं मिलता, बाकी N8 में मिलता है और N10 में भी नहीं मिलता। 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ए N4 को छोड़ के बाकी सभी वेरियंटों में मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल N4 को छोड़ के बाकी सभी वेरियंटों में मिलता है। क्रूज कंट्रोल N4 में नहीं मिलता, N8 में भी नहीं मिलता, इसके अलावा N10 में मिलता है। इको मोड तीनों ही वेरियंट में देखने को मिलता है। पावर स्टीयरिंग तीनों में देखने को मिलती है। टिल्ट टेबल स्टीयरिंग तीनों ही वेरियंट में देखने को मिलती है। पावर विंडो फ्रंट एंड रियर तीनों ही वेरियंट में मिलती है। सेंटर लॉकिंग तीनों ही वेरियंट में मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप तीनों ही वेरियंट में देखने को मिलता है। पावरफुल एसी विद इको मोड तीनों ही वेरियंट में मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM ये N4 N8 में नहीं मिलता, N10 वेरियंट में देखने को मिलता है। रिमोट की एंट्री केवल N4 को छोड़ दें तो बाकी N8 और N10 में मिलता है। डिलेड पॉपर विंडो ऑल 4 विंडोज ये खाली N10 में मिलता है। मैजिक लैंप ये भी ओनली N10 में मिलता है। फॉलो मी होम हेड लैंप ये भी N10 में मिलता है। रियर ग्लास वाइपर एंड डिफॉगर ये आपको N8 और N10 दोनों वेरियंट में मिलता है N4 को छोड़ के। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपका N8 में मिलता है, N4 में नहीं मिलता और N10 के ओ वर्जन में मिलता है। 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट ये तीनों ही वेरियंट की गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपका महिंद्रा इस बुलेरो न्यू के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें इंजन इमोबिलाइजर तीनों वेरियंट में मिलता है। सीट बेल्ट ऑडियो रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर ये भी तीनों वेरियंट में मिलता है। स्पीड अलर्ट ऑडियो वार्निंग ये भी तीनों वेरियंट में हमें देखने को मिलती है। फ्लिप की ये भी हमें तीनों वेरियंट में मिलती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक ये भी हमें तीनों वेरियंटों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रियर ड्रम ब्रेक ABS प्लस EBD कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग असिस्ट तीनों मिलता है। ISOFIX माउंट्स फॉर चाइल्ड सीट्स सेकंड रो ये हमें केवल N10 में मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो कलर हैं वो आपको मिलेंगे नेपोली ब्लैक, मेजेस्टिक सिल्वर, हाईवे रेड, PL वाइट, डायमंड वाइट, रॉकी बीच। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि इसमें कितने सारे हमें फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें ड्यूल एयरबैग मिलते हैं जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए होते हैं और ABS के साथ में ये गाड़ी आती है। इसमें आपका 17.8 सेंटीमीटर टच स्क्रीन इन्फॉर्मेंट मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर बोलेरो के 3 वेरियंटों को हमने कंपेयर किया N4 N8 N10 का, और जो कि जिससे कि हमें बहुत सारे फीचरों का डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो जब हम बेसिकली देखते हैं तो इसमें N8 वेरियंट है उसमें मैक्सिमम हमें सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जो प्राइस की, तो दोस्तों जो उसका जो रेट है यानी कि जो स्टार्टिंग रेट है वो 9.95 लाख से 12.15 लाख तक जाता है। एक्स रूम कीमत है और इसमें M-Up मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।